इमाम की बारगाह है, यकीन ध्यान है कि अगर इंसान इनकी बारगाह में ये कुछ नहीं मांगते आपसे, ये कहते हैं कि अपना दिल हमारी बारगाह में दे, कुछ नहीं चाहिए, मैंने ये किया मैंने वो किया, क्या तुम करोगे इनके लिए? माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है ईरान, हमेशा वो उनका तबर्रुक ऐसा होता है पूरे किरमान में कि जैसे बादशाह होगा तबर्रुक, पूरा पूरा मुर्गा एक एक बंदे को और इस तरीके से तबर्रुक। हमारे उस्ताद कहते हैं कि मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये तेरे साथ क्या हुआ है, तो इतना बड़ा तबर्रुक देता है, इंतजाम कैसे करता है, ये तो बहुत बड़ा बजट चाहिए इसके लिए, 8-10 हजार अफराद को डेली इतना तबर्रुक देना ये कैसे करता है। उसने कहा मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इतना बीमार हो गया था कि मुझे छूत की बीमारी लग गई थी और डॉक्टरों ने कहा था कि अगर ये किसी को हाथ लगाएगा तो वो बंदा भी बीमार हो जाएगा, तो कहा मुझे उन्होंने कहा कि इसको लेके तहखाने में इसको रख दे ताकि कोई बीमार ना हो, 4-5 दिन की इसकी जिंदगी है और इसने मर जाना। कहते मुझे लेके गए और घर के तहखाने में मुझे लिटा दिया, कहते मेरी वालदा इमाम हुसैन के गुंबद का परचम लेके आई और कहते मेरे ऊपर डाल दी, और मेरी माँ एक जुमला कहती है मौला हुसैन क्या बात, मौला हुसैन मेरी जाने कुर्बान हो जाए, मौला हुसैन मुहर्रम में एक हफ्ता बाकी है, मेरा ये बेटा बीमार है, मौला मैं मजलिस में जाऊंगी मुझे इसकी परेशानी होगी, ये किस हाल में है, इसको खाना देना है, इसको चेंज करवाना है, मौला मैं परेशान रहूंगी, मौला आप करीम इब्ने करीम है, एक एहसान करें मेरे बेटे को जल्दी उठा लें ताकि मैं आपके हुसैन का मातम कर सकूं। ऐ जनाब सैयदा मेरे बेटे को जल्दी उठा लें ताकि मैं आपके हुसैन का मातम कर सकूं, ऐ मौला हुसैन मेरे बेटे को जल्दी उठा लें ताकि आपके अकबर का गिरिया कर सकूं। ये कौन कह रही है? मां। जब अकल की मंजिल उस जगह पे आती है ना तो इंसान को हर जगह पे अहले बैत ही नजर आते हैं। आज दुनिया पूछती है इमाम ज़माना कहाँ है, अगर दिल की आंख से देखो तो तुम्हें चलते फिरते हर जगह बकीयतुल्लाह अज़म नजर आए। कहते मेरे बच्चे को उठा ले, कहते माँ रोती हुई ऊपर गई, मैंने करबला का रुख करके कहा मौला हुसैन अगर मैं ठीक हो गया तो मौला मैं आपका ऐसा अशला करवाऊंगा जिसका तबर्रुक पूरे किरमान में कोई नहीं देता हो। कहते अभी मैंने ये जुमला कहा ही था, मैंने क्या देखा, सीढ़ियों से सूरज की शुआ नमूदार, और कहते वो शुआ के परतों में एक चेहरा उतरता हुआ नजर आया कि जो नूर की वजह से नजर नहीं आ रहा था, कहते करीब आके मुझे कहा, नाम है इसका माशाल्लाह का, माशाल्लाह उठ के बैठ जा, कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज कर दिया है, मरीज हूं, माशाल्लाह मैं कह रहा हूं उठ के बैठ जा, कहा मुझे डॉक्टरों ने लाइलाज किया हुआ है, 4-5 दिन का मेरे पास टाइम है, मैं मरने वाला हूं, कहा माशाल्लाह उठ के बैठ जा। कहते जब उन्होंने ये जुमला कहा तो मेरे बदन में ऐसे बिजली दौड़ी है जैसे पता नहीं क्या हो गया, मैं उठ के बैठ गया, सलाम किया, बोलने की ताकत आई, मैंने उनको देख के कहा कि आप कौन है, कहा वही हो जिससे तेरी मां ने इस्तगासा किया था, माला आप है, कहा माशाल्लाह आप तो ठीक हो गए, वादा याद है तुझे, जी मौला वादा याद है मुझे, कौन सा वादा, कहा वही वादा जो तेरी मां ने किया था, मां ने क्या कहा था, उठा दे ताकि मैं मजलिस में चली जाऊं, याद है ना, मेरी खातर उसने वादा किया था, लेकिन तूने एक मुझ मेरे लिए नजर मानी थी, कहा क्या नजर मानी थी, कि मेरा अशरा करवाएगा और ऐसा तवर्रुक देगा जैसा कोई नहीं देता, अजी मौला याद है, लेकिन माशाल्लाह मैं तुझे कहने आया हूं तूने 10 महीने से नहीं करवाना, तूने 18 महीने
से करवानी है यकम मुहर्रम से 18 मुहर्रम तक, 10 महीने से तेरी तरफ से, 8 महीने से मेरी तरफ से। कब होना दो से करवा देते हैं लगातार, कहा नहीं 18। बोला इस 18 में क्या राहत है? कहा कि इसलिए कि मेरी मां 18 साल में दुनिया से गई। मेरी मां जब दुनिया से गई थी, मेरी मां का सिन 18 साल का था। माशाल्लाह कहते हैं कि ये जुमला कहां है? मैंने कहा मौला 18 महीने से होंगी। कहते अभी मैंने ये जुमला कहां ही था, मैं ठीक हुआ और मौला ने एक जुमला कहा। माशाल्लाह तबर्रुक का इंतजाम तू नहीं करेगा, मैं करूंगा। माशाल्लाह कहते मैंने एकदम देखा दरवाजे पे दस्तक हुई। कहते मैंने दरवाजा खोला, देखा एक शख्स आया कि कहता है कि आप मजलिस कर रहे हैं, मजलिस के चावल का इंतजाम मेरी तरफ से होगा। कहते अभी वो गया था, दूसरा बंदा आके कहता है कि 1 टन मुर्गा मैं लेके आऊंगा जो मजलिस में आपने तकसीम करना है। कहते अभी वो गया, बकरे का इंतजाम हो गया। कहते घर मेरा छोटा था, साथ वाले ने कहा ये घर भी हुसैन की मजलिस के लिए वक्फ करता हूं। दिनों में इतना सामान था, कहते रखने की जगह नहीं थी। और माशाल्लाह कहते मुझे 50 साल हो गए मैं 18 महीने से करवा रहा हूं। और कहते हर साल यही होता है कि इधर मुहर्रम के आने में 1 हफ्ता बाकी होता है, हर तरफ से सामान आना शुरू हो जाता है। कभी ना सोचिएगा मैंने मजलिस करवाई या मैंने मजलिस करता हूं। मजलिस का तबर्रुक का इंतजाम हुसैन की मां सैयदा करवाती है।